अब मैं बात कर रहा था कि यार इसमें आप कैसे करोगे गोडेडी में, स्क्रीन शॉट देखना, गोडेडी की ओपन है, जी, क्लियर है। गोडेडी की ओपन है। मैंने आपको कहा गोडेडी के नेम सर्वर आपको मेल पे चले जाते हैं। अब आपने सिंपली क्या आना है, डीएनएस में आए, सेम वही प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सेम इधर आ गए इसके वो, ये इधर वो मैं आपको बता रहा था ना कि चेंज की ऑप्शन आती है। इधर आपने चेंज पे क्लिक किया, इधर आपने डिफॉल्ट से कस्टम, अभी हमारा वो स्टेप भी क्लियर हो गया कि डिफॉल्ट और कस्टम का जो इशू था, जी डिफॉल्ट से कस्टम कर दिया। इधर जो आपको होस्टिंग के नेम सर्वर ईमेल पे आए होंगे ना गोडेडी के, लेट्स सपोज गोडेडी की ईमेल किसी और गोडेडी के अकाउंट से थी, गोडेडी की होस्टिंग आपने किसी और अकाउंट से परचेज कर ली, आपने कहा यार डोमेन महंगी परचेज करने का दिल नहीं कर रहा, मैं काम करता हूँ, मैं 100 रुपए वाली डोमेन जो हो डिस्काउंट पे होती है वो परचेज कर ले। तो दो मास्टर कार्ड है, आपने एक गोडेडी के अकाउंट से सिंपल एक डोमेन परचेज कर ली, एक से आपने होस्टिंग परचेज कर ली। अब होस्टिंग के नेम सर्वर आपको चले गए मेल के ऊपर, ये चीज हमें क्लियर है। इधर आके आपने चेंज किया, कस्टम किया, वो नेम सर्वर सिर्फ इधर ऐड करें, ऐड करने के बाद आपकी डोमेन इधर आ जाएगी। डोमेन मैंने आपको कहा रीडायरेक्ट हो गई है, अब हमने होस्टिंग में जाना है और उसे ऐड ऑन कर देना। ये दो सिर्फ स्टेप से, इधर आप जाओगे मैनेज में, नेट का जरा सा इशू है, थोड़ा स्लो चल रहा है। इधर आप जाओगे मैनेज में, मैनेज में जाने के बाद इधर अब मसला ये है कि मेरे पास जो इस वक्त होस्टिंग है उस पर मैं सिर्फ एक डोमेन ऐड कर सकता हूँ, मैं दो डोमेन्स नहीं ऐड कर सकता, मैं सिर्फ एक डोमेन ऐड कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था इकोनॉमी पैकेज के अंदर आप एक डोमेन ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास दूसरा पैकेज है तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आती है ऐड ऑन डोमेन। सिंपल जाके अपनी डोमेन का नेम लिखो, एंटर करो, आपके नेम सर्वर्स तो चेंज पहले ही हो गए थे, इधर से आपकी डोमेन भी चेंज, डोमेन भी ऐड ऑन होगी, तो आपका डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट होगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपका बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जी ये चीज क्लियर है कि नहीं? जी स्टूडेंट, मेरे ख्याल से तो 100% क्लियर है। अब जाके क्लियर हुई है गोल्डेडी के ऊपर आके। ठीक है, बस ये है कि अगर शेयर्ड इनकी है वन डोमेन वाली, तो उसको एज इट इज जैसे आपने अटैच किए वैसे करेंगे। हाँ जी अगर लाइक एक से ज्यादा डोमेन अटैच करने वाली होस्टिंग है, तो उन्होंने ऐड ऑन करना है सिंपली डोमेन। ऐड ऑन करना ही करना बिल्कुल। और अगर मैंने का प्रेफरेंस ये कि आप एक से परचेज कर लो, एक में सिंपल आप वन क्लिक के ऊपर आपकी डोमेन अटैच हो जाएगी। अब अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपने आज के लेक्चर की, तो हमारा क्या क्लियर हो गया कि यार व्हाट इज डोमेन भी क्लियर हो गया, व्हाट इज होस्टिंग भी क्लियर हो गया, हाउ टू परचेज डोमेन एंड होस्टिंग भी क्लियर हो गया, हाउ टू कनेक्ट डोमेन एंड होस्टिंग भी क्लियर हो गया।